बहुत विस्तृत चर्चा कबीर पंथ पर पारक सिद्धांत पर अपना अपना विचार सब व्यक्त करते हैं। पारक सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जहां भ्रांतियां नहीं है, जहां कर्मकांड नहीं है। मुख्य स्नान के दिन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हम लोग इलाहाबाद में रहे 15 साल में वहां रहा। आज तक मैं गंगा के गंगा स्नान तो नहीं किया, मुक्ति तो नहीं होगी मेरी। मैं जान रहा हूँ मुख्य स्नान के दिन शाही स्नान के दिन यदि कोई अन्य व्यक्ति स्नान कर दिए तो उसका धड़ से गला अलग कर दिया जाता है। कोई घुस ही नहीं सकता, और कोई घुस गए गलती से तो तलवार से काट देंगे वही। ये स्नान है, क्या इसको स्नान कहा जाएगा? क्या इसको मुक्ति कहा जाएगी? ईश्वर के लिए इतनी दौड़ है, इतनी दौड़ है। अब बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मंच में बैठने वाले को देखा गया है, ईश्वर के बारे में इतना व्याख्या करेंगे और ईश्वर क्या है उसको खोलना चाहेंगे तो ईश्वर के बारे में बता ही नहीं पाएंगे। बस कल्पना है, कल्पना कल्पना से मुक्ति होती है। ये पारक सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जहाँ भ्रांतियां नहीं है। अब कबीर पंथ में भी चलता है ये सब बिजनेस, कबीर पंथ में भी काफी बिजनेस चल चुका है। बड़े बड़े पंडित पुजारियों को मैं यहीं की बात है, बगल तुलसी है, वहां के एक व्यक्ति है जो गांजा भी बेचता था, आज जेल के अंदर सड़ रहा है। उनकी उनकी पत्नी ने अपने माँ को मार दिया गले दबा करके, साल भर पहले की घटना है, और आज जेल में सड़ रहा है। कौन है वो महंत है? कहाँ से मिला था? पंजाब कोई जगह से मिला था, नाम नहीं लूंगा मैं। ये स्थिति है। अब इतना साफ ज्ञान के बाद हम लोग को सिर्फ बुद्धि को बदलना है। बुद्धि को, बुद्धि हमारी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और बुद्धि हमारे जीवन में सबसे कोई कीमती चीज है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है तो बुद्धि है। बुद्धि सही है तो आदमी अच्छा बन जाएंगे, बुद्धि खराब है तो खराब आदमी बन जाएंगे। बुद्धि अच्छा है तो आदमी संत और साधु बन जाते हैं, और बुद्धि खराब है तो आदमी नक्सलाइड और आतंकवाद बन जाते हैं। बुद्धि अच्छा है तो आदमी सही लोगों को संग करता है, बुद्धि खराब है तो गलत लोगों को संग करता है। बुद्धि सही है तो वाणी से सभ्य वाणी निकलेगी, बुद्धि खराब है तो कटु वाणी कर वाणी निकलेगी। बुद्धि सही है तो घर स्वर्ग बन जाता है, बुद्धि खराब है तो घर नरक का द्वार बन जाता है। बुद्धि को बदलना है बस। बुद्धि का तो परिवर्तन है, एक ही जीवन में आदमी नर्क और मूर्खता की जिंदगी जीता है, और वही जीवन में बुद्धि पलट देने के बाद में आदमी अच्छा जीवन जीना शुरू कर देता है। कालिदास जिनकी शादी होने से पहले उनके जो पत्नी थी वो बहुत तेज तर्रार, और उनके पिता भी बहुत तेज तर्रार, उससे कहीं ज्यादा तेज तर्रार मूर्ख थी उनकी लड़की। उनके पिता ने सोचा कहीं इनके लिए मैं मूर्ख व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति ढूंढूं, इनके पति इनके पति बनाऊं उनको मैं। वो ढूंढने चला तो मिला कालिदास, मिला उनको कालिदास, मिला वो मूर्ख व्यक्ति। और उनको कहा गया तुम्हारे लिए योग्य लड़का लाया हूं मैं, और बहुत ज्ञानी बहुत विद्वान। शादी हुआ पहले दिन ही जान गए कि ये लड़का ठीक नहीं है, ये मूर्ख है, महामूर्ख है। उनकी पत्नी ने बोला, कालिदास की पत्नी ने, यदि तुम विद्वान बनोगे सही तब मेरे पास आना, अन्यथा मत आना। वो चैलेंज कर दिया, वो आदमी विद्वान बन गया और कई पुस्तकें लिख लिया। बुद्धि पलट गई, बुद्धि पलट गई। गोस्वामी तुलसीदास जी है, गोस्वामी जी की बुद्धि खराब थी, मोह में आसक्त था, पत्नी में आसक्त था, पत्नी से मिलने के लिए अपने ससुराल में जाता है और लकड़ी समझ करके लाश से क्रास होकर के जाता है, और उनके घर के ऊपर जब चढ़ता है तो सर्प का सहारा लेकर के, रस्सी समझ करके सर्प का सहारा लेकर के चढ़ता है। लेकिन जब ये सारी बात उनकी पत्नी को पता चलता है तो कहती है उनकी पत्नी, जितना तुझे चाम में प्यार है उतना ही तुझे राम में प्यार होता, तुम्हारा कल्याण ही हो जाता। वो आदमी बदल जाता है, गोस्वामी जी बन जाता है और रामायण की रचना कर देता है। अंगुली माल एक ऐसा हत्यारा था जो बुद्धि खराब थी तो उंगली काट काट करके हार पहना था, 9 से 9 99 उंगलियां का हार बना चुका था, लेकिन बुद्धि पलट गई, बुद्धि सही दिशा में चली गई तो बुद्धि सही दिशा में चली गई, बहुत बड़ा भिक्षु बन गया। और दूसरे उदाहरण क्या दे, हमारे सद्गुरु अभिलाष साहब जी, गुरुदेव जी,
जब सन्यास आश्रम सन्यास धारण नहीं किए थे तो घर में पूजा करते थे, घंटों बैठ करके पूजा करते थे, काली की भवानी की देवी की शंकर की उपासना करते थे। उनको भ्रम मान्यता ही इतना घेरा हुआ था, कहीं से पारक सिद्धांत का विचार मिला, पलट गया जीवन के नक्शे, बदल गए बुद्धि, पलट गई जीवन, बदल गया। एक जगह एक व्यक्ति गुरुदेव जी प्रवचन चल रहा था, एक व्यक्ति एक रास्ते से गुजर रहा था, रास्ते से गुजर रहा था, उनको पुस्तक में गुरुदेव जी का है जीवन दर्पण, उसमें उसको व्यक्त किया गया है। तो उन्होंने अपने भैया को तुरंत फोन किया, भैया जो हम लोग काम के लिए टेंडर दिए हैं दूसरे को, वह काम हो चुका है, वो टेंडर कैंसिल कर देना। क्या टेंडर था? अपने दुश्मन को मरवाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी कि उसके दिन उसका लाश गिर जाना चाहिए, जिंदा नहीं रहना चाहिए। गुरुदेव जी का प्रवचन सुना कि सबसे बड़ा दुनिया में क्षमा मांग लो दूसरों से, या तो क्षमा कर दो, गलती हो गई तो। ये वाक्य उनके कान में घुसा, बुद्धि पलट गई, और बुद्धि पलट गई वो आदमी अपना भैया को फोन करता है, हम लोग बहुत बड़े अपराध करने वाले थे, अपराध से बच गए, गुरुदेव जी से मिलते हैं, उनका जीवन का नक्शा बदल जाता है, मृत्यु से बच जाते हैं, पाप से बच जाते हैं, हम सब बैठे समझदार लोग हैं। हमारे वाणी से कटु वाणी नहीं निकलना चाहिए, हमारे वाणी से ऐसा शब्द का संचार हो जिससे आत्मीयता जगे, जिससे प्रेम जगे, जिससे मित्रता बढ़े। और सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मानो मित मितियो न छोड़े, कमई गांठ कमो गांठ न खोले। हे मान्यवर गण, अपने मित्र से मित्रता कभी मत छोड़ना। मित्र कौन? परिवार के मित्र कौन है? परिवार वाले के पति के मित्र पत्नी होती है, माँ के माता पिता मित्र हैं, आपस में पति पत्नी मित्र है, देरान जिठान मित्र है, सास बहू मित्र हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐ मान्यवर गण, मित्रों से मित्रता कभी मत छोड़ना। कौन सी मित्रता? यही प्रेम रूप मित्रता। घर स्वर्ग बन जाता है, और मित्रता जिस दिन छोड़ देते हैं, जिस दिन कमो गांठ ही न खोले है। कौन सी गांठ नहीं खोलने को कहते हैं? काम की, क्रोध की, द्वेष की, राग की, लोभ की, भय की, निंदा की, चुगली की, एक गांठ खोल देते हैं, उस दिन हमारा घर खंडहर बन जाता है, घर टूटने में समय नहीं लगता है, घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि अपने जीवन में कुछ निर्माण करें, कुछ विकास करें, एक ऐसे विचारों के साथ जुड़े जहां भ्रांतियां नहीं, जहां कर्मकांड नहीं, जहां पाखंड नहीं, जहां तेरे मेरे की लड़ाई नहीं, जहां द्वैत अद्वैत का चिंतन अपने आप में स्थिर हो जाना है। इतना शुद्ध पारक ज्ञान होने के बाद में और हम भटकते रह जाए तो हमसे अज्ञानी कौन हो सकता है? संत गुरुजन तमाचा मारते हैं, बार बार कहते हैं, और ऐसी लोगों की स्थिति देख करके सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं चितवत हूं तो ही को तू चितवत कछु और, लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दुइठ और। मैं तेरे ओर देख रहा हूं और तेरा ध्यान दुनिया के देवी देवताओं में, दुनिया के मंदिर मस्जिदों में, नाना प्रकार के कर्मकांड में, पाखंड में उलझा हुआ है। लानत है ऐसे चित्त को, सद्गुरु कबीर साहब फटकार देते हैं, धिक्कार है ऐसे चित्त को। लानत है मतलब धिक्कार है ऐसे चित्त को, जहाँ एक चित्त है उसमें दो विचार चल रहे हैं, जिसमें अध्यात्म के रहस्य को भी पाना चाहते हैं, जिसमें अध्यात्म की ऊंची ऊंची सीढ़ी को छलांग लगाना चाहते हैं, और इधर दुनिया की सांसारिक वासनाओं में भी बंधे हुए हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि आत्मा कल्याण चाहते हो तो चित्त को एकाग्र करो, आत्मा कल्याण चाहते हो तो बुद्धि को सही दिशा में ले जाओ, बुद्धि कुबुद्धि ना होने पाए। कुबुद्धि के वजह से ही तो आदमी गलत कर्म करता है। जिसका बुद्धि सही रहेगा क्या वो शराब पिएगा? जिसका बुद्धि सही रहेगा क्या वो गाली देगा? जिसकी बुद्धि सही रहेगा क्या भाई भाई के साथ दो दो चर्चा फिर जमीन के लिए लड़ाई करेगा? जिसकी बुद्धि सही रहेगा आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे? बुद्धि तो खराब है, बुद्धि खराब होने से सब कुछ खराब हो जाता है। बुद्धि को सुधारना है, बुद्धि को सवारना है, बुद्धि को सजाना है। बुद्धि सही है, हमारा पैर भी सही दिशा में जाएगा, हमारे आंखें भी सही देखेगी, हमारे जीभ भी सही हो वचन सुन वचन शोध करके निकलेगा जीभों से, हमारे हाथ भी सही आगे बढ़ेंगे, गलत दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। अगर बुद्धि खराब है तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। बुद्धि को सुधारना है, बुद्धि को। संत परिवार में आप लोग धन कमाते हैं, समाज के लोग धन कमाने का तरीका सिखलाते हैं, पूरे भारत देश के पास में बड़े बड़े वैज्ञानिक है, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी है, बड़े बड़े सिस्टम है, वहाँ कैसे धन कमाया जाता है, कैसे मकान बनाया जाता है, कैसे गाड़ी खरीदा जाता है, कैसे हर चीज सिखलाया जाता है। संत गुरुजन क्या सिखलाते हैं? पैसा तो कमाओ लेकिन उपयोग कैसे करना ही सीख देते हैं।
जीवन तो है लेकिन जीवन को जीना कैसे है तरीका बताते हैं। आपके पास है वही चीज को सही दिशा में ले जाने का तरीका संतजन बताते हैं। आपके ही वस्तु को हम अपने ही वस्तु को गलत ओर ले जाते हैं, उसको सही दिशा में कैसे ले जाना है ये शिक्षा दिया जाता है। अभी मैं बिहार में 15 दिन रहा, वहां लोग गरीब है लेकिन आराम की जिंदगी जीते हैं, झोपड़ी है लेकिन दान में कमी नहीं करते, खिलाने पिलाने में कमी नहीं करते, गरीबों को खिला देते हैं, घर झोपड़ी या महल बनाने की सपना नहीं है उनकी, लेकिन आराम से जीते हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हैं। उनके सिस्टम अभी भैया जी बता रहे थे, जाए तो सिस्टम नहीं मिलता है, कहीं खाट मिल गए वहीं सो जाए, कहीं किचन ठिकाना नहीं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं लेकिन सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम से जिए ही नहीं है। और हमारे आपके यहाँ इतना अच्छा सिस्टम है, सब कुछ सेटिंग है, डाइनिंग सेट, सोफा सेट, सब कुछ सेटिंग है, माइंड बस अपसेट है, बस सब कुछ सेट होते हुए भी, इसलिए माइंड को सही दिशा में ले जाए। अभी चंडीगढ़ भी गया अपन, चंडीगढ़ दिल्ली, तो चंडीगढ़ में एक आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है और इतना सेंटर जगह पर है, वहाँ कोई संत नहीं है, संत नहीं है, बस प्रवचन सुने, बुला ले गए थे और अच्छा प्रोग्राम हुआ, संत नहीं, कहे साहब आप लोगों के हाथ में है कैसे आश्रम को बचाना है, संत चाहते हैं और संत अच्छे हो तो सब जगह पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, वह संत की तलाश है और कोई इसमें बैठे कोई संत होना चाहते हैं तो जगह मिल जाएगा। बोलिए सतगुरु देव की जय।